नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दूसरे देश के दूसरे हिस्सों की तरह बिहार में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यह आंकड़ा 9 से अब 11 हो गया है। और चिंता सिर्फ ये नहीं है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, बल्कि चिंता यह भी है कि डॉक्टरों के पास जो जरूरी संसाधन होने चाहिए, डॉक्टरों को जो जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इस भयंकर महामारी से जिनको लड़ना है, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि ऐसे मरीजों का वो इलाज करें, तो क्या उनके पास पर्याप्त साधन हैं। लालू यादव ने इसको लेकर चिंता जताई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि पीपीई N95 टेस्टिंग किट तो छोड़िए, बिहार की राजधानी पटना के बड़े हॉस्पिटल IGIMS में मास्क और सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं है। सोचिए जिलों का क्या हाल होगा। क्या केंद्र राज्य सरकार में इतना भी समन्वय नहीं है कि 2 महीनों से डॉक्टरों की ये बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। तो ये बेसिक ज़रूरत है, ये बेहद अहम चीज़ें हैं, N95 मास्क और PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसके जरिए डॉक्टर सुरक्षित रहकर कोरोना मरीजों का इलाज कर सकेंगे, सैनिटाइजर, मास्क। तो लालू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के दूसरे जिलों की क्या स्थिति होगी जब पटना के बड़े अस्पताल IGIMS में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लालू प्रसाद यादव लगातार अपनी चिंताएं जता रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं कोरोना को लेकर। इससे पहले उन्होंने उन लोगों को लेकर अपनी चिंता जताई थी जो लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में पड़े हैं, जिनके पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। लालू ने ट्वीट किया था कि FCI का बफर स्टॉक हमेशा दोगुना रहता है, आए दिन हम गोदामों में सड़ते हुए अनाज की खबरें देखते हैं। सरकार को चाहिए कि जो गरीब किसी सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं हो भी, तो भी उसको इस दुख की घड़ी में अनाज देने का काम करना चाहिए। पंचायत स्तर पर जरूरतमंदों को चिन्हित कर त्वरित वितरण किया जाना चाहिए। तो लालू लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अब उन्होंने बड़ी चिंता जताई है। ये कहा है कि डॉक्टरों के पास PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, N95 मास्क नहीं है, पटना के बड़े अस्पताल IGIMS में ये स्थिति है, तो बिहार के दूसरे अस्पतालों की क्या स्थिति होगी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।